संसदीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं। इसी सिलसिले में आज वो मुजफ्फरपुर जाने वाले हैं, लेकिन उनके मुजफ्फरपुर पहुंचने से पहले उनके समर्थकों ने एक पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में उपेंद्र कुशवाहा को बिहार के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाया गया है। इसी संदर्भ में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये पोस्टर हमारी पार्टी की तरफ से नहीं लगवाया गया है और जिन लोगों ने भी ये पोस्टर लगवाया है उनकी पहचान करके उचित कार्रवाई की जाएगी। सुनिए उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है। पहले से चल रही है, बिहार के अलग अलग जिलों में पहले हम जा चुके हैं, उसी क्रम में मुजफ्फरपुर की यात्रा है। आज मुजफ्फरपुर, कल शिवहर, दो जिलों की यात्रा है। इस यात्रा को बाकी जगह की यात्रा से अलग करके देखने की जरूरत नहीं है, उसी तरह की यात्रा है। लेकिन जहाँ तक आप किसी पोस्टर की चर्चा कर रहे हैं, उस पोस्टर पर हमने एतराज जता दिया। जो लोग भी उस पोस्टर पे जिनकी तस्वीर थी उसमें एक सीनियर लीडर को फोन करके हमने कहा यह ठीक नहीं है, और ऐसे भी उनका जो जवाब था कि यह पार्टी का नहीं है, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हमने लगाया है, फिर भी जो कुछ भी था उसमें हमने उनको बता दिया है, एतराज जता दिया। इसके बाद उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर भी अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है कि इस पर सभी पार्टियां एक मत है, किसी में कोई भेद नहीं है और इसे कराने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। बस जिस तरीके से सेंसस होता है उसी तरीके से होगा, एक जाति का कॉलम ऐड करना है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जाति का जनगणना को लेकर जो राजनीति गरमाई हुई है और लीड करने को लेकर क्रेडिट लेने की ओर बची हुई है, आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है, कल तक ने कहा कि तेजस्वी यादव ने लीड किया है, आपको क्या लगता है कि वाकई तेजस्वी यादव ने लीड किया या फिर नीतीश कुमार ने लीड किया? देखिए, इस मामला में सभी एकजुट हैं, जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और बाकी पार्टी भी बिहार की है, सब लोग एकजुट हैं, इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है जो सबका मुद्दा है, जनता का मुद्दा है, देश का मुद्दा है, इसलिए इसमें कोई अलग से जगता बाबू ने किस संदर्भ में कह दिया, लेकिन सब लोगों को मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में डेलीगेशन गया था जो प्रधानमंत्री से मिला है, तो इस विषय पर कोई अलग अलग पक्ष विपक्ष नहीं। सर, बीजेपी में दो सूत्र सुनाई पड़ रहा था जनगणना को लेकर, आपको लगता है कि बीजेपी के रूप से ये संभव है इस बात का जातिगत जनगणना, क्योंकि तकनीकी रूप से अगर आप देखें तो इस बात शायद वो संभव नहीं हो पाएगा जातिगत जनगणना, अगर ऐसी स्थिति होती है तो क्या बीजेपी से टकराव हो सकता है जेडीयू से? नहीं, देखिए, तकनीकी रूप से जो बात प्रचारित की जा रही है कि नहीं संभव है, मुझको लगता है कहीं ना कहीं जानबूझकर यह बात प्रचारित की जा रही है। आज के समय में कौन काम मुश्किल है, और डिजिटल करना है, ये कॉलम तो जोड़ देना है, बाकी जो जनगणना हो रही है उसी में एक जात का कॉलम जोड़ देना है, इसमें कहीं से कोई कठिनाई नहीं है। आज अगर डिसीजन हो जाए भारत सरकार का तो यह काम बिल्कुल आसानी से करना संभव हो जाएगा, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर का मामला है तो डिसीजन उनको लेना है, लेकिन यह विषय जनता का विषय है, देश का विषय है, जो भी तकनीकी सुधार की जरूरत है। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए NBC 24 के साथ। धन्यवाद।